दो पैसों का गैंगस्टर मूँह चढ़ाउंदा सरकार का, जेल के बिच बह के उहदी वीडियो बनाई जाती है और कहिंदा सिद्धू मारिया, हम ही मारिया और सलमान खान को भी मारे। थोड़ी सरकार ने कोई अजे तक कार्रवाई नहीं की, इंटरव्यू लैन वाले ते कोई कार्रवाई नहीं की। आ सरकार तो आप बिल्कुल पंजाब गहने करता, दिल्ली को मेरी गल मान लो, इन्हां कोले किसे मंत्री कोले ना सीएम कोले इन्नी पावर नहीं भी किसी गल उत्ते खुल के फैसला ले लैण। आ जिहड़ा अज कल दा वर्तारा देखा भी अमित शाह ने थापड़ा दिता है महाराज भी कर ला कुछ नहीं हुंदा, ये भी नहीं होना सी। पंजाब सरकार मैं एक सबका फौजी हाँ, मैं अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा चाइना के बॉर्डर से कारगिल तो उत्ते माइनस 30 डिग्री के बिच मैं ड्यूटी की है। मैं अमित शाह को पूछना चाहना, मेरी देशभगती कलौरस की देशभगती मेरे हड गल के मैं कंडे हो के फौज चुप करे आया और नैशनलिस्ट लॉरेंस कहता मैं गौशाला खोलूंगा। अमृतपाल फड़ना सी तू किसी दिन होर फड़ लेंदी, ये अज ही क्यों? इंटरनेट बंद अज ही क्यों? बसां बंद अज ही क्यों? कि इस तरह आवाजा साडियां दब लेंगी, सानू इन्हें मजबूर ना करके सानू मियां बीबी नू जाके विधानसभा के गेट ते बैठना पवे। मैं हुण भी सरकार नू भी ये गल दी चेतावनी दिना, हले भी समा हैगा, सांभ लो, जेलां दी सफाई कर दो, चंगे रहोगे। बलतेज पन्नू इहदा पता नहीं मैं की करजा देना सी, इहने उहदे जिउंदे दे खिलाफ भी पोस्टां पाईआं, ये 28 तरीक नू सिक्योरिटी हटा लैण दी गल भी करदा है और जदों मेरा पुत नू 5 बजे जवार के मार दिता जांदा फिर वह मूसे वाले विवादित गायक दे गोलियां लगियां। मतलब हर एक चीज़ के नाल इहने विवादित गायक लिखणे लाज, किन्ना क विवादित गायक सी मेरा पुत। आ जिहड़ा सिर ते प्रोफेसर बोर्ड चक्की फिरदा सी, ओह हुण कित्थे तेरा बोर्ड आ? आ मेरे गुआंढ दे विच मासूम दा सिर पारता मार के फेर बसदा रसदा घर पटता, कित्थे तेरा बोर्ड? हुण तूं पंजाब दी यात्रा क्यों नहीं करता? और जिहड़ा मेरे पुत ते पहला परचा दिता सी कैप्टन दा, वह असली जगदीप सिद्धू सी जिन्हें एक मेरे दोस्त नूं भी कहा समझा ला सलारूए नूं, उस्ताद तों माफ़ी मंग ले। और मैं कांग्रेस दा सरपंच, कांग्रेस दी सरकार, मैं थाने दे विच 10 दिन और लेलड़ियां कढ़ियां, उदों तक मिन्नतां करदा रहा जब तक मैं बेहोश होकर डिग के हस्पताल नहीं। करोड़ रुपया साडा ज्योती खा गया इत्थों, विदेशों ने टूर साडे कमर खा गया सारे। तो मेरे पुत ने जो पल्ला पंजबी ना पई उन्हें की किया, वो कहना डैडी इन्हों तो खेड़ा छुड़ा पेगा, आपका चैनल बना लिया से। फिर कहते शो ला के दिखाओ, कनेडा भर के दिखाओ, असी वो भी लड़े। मैं मेरे पुत नाल गनमैन बन के विचरिया 5 साल, उन्हें मेरे घर जन्म ले लिया। काश वो किसी MLA मंत्री के घर जमया हों, मरदा नहीं सी। मेरी औकात छोटी सी, इन्हों के हौसले पै गए मेरे घर तक बढ़ गए, हाथ पा के देख होर किसी नूं। सब तो पहला थोड़े चरणों के विच फतेह की सांझ पाउना, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं कल दा बड़ी शिशो 5 दे विच सी, इंटरनेट बंद भी, मैं समागम रखता बैठा सिरे किवें लगूगा, पर श्री गुरु ग्रंथ साहब की मेहर सदका जो मेरे अपने खदशे सी निर्मूल साबित होए और तुहाडे विशाल कठ ने मेरे पुत की आत्मा नूं शांति दित्ती। अज सवेर दा जदों दा मैं उठिया कई बारी मन दे विच वराग आउंदा सीगा सवेर दा, इह भी जिद्दां मैं 25 साल पहलां दी सुमां गल दसदा, मैं छोटे जिहे नूं स्कूल दाखल कराउण गया सी एक बारी, जदों मैं दाखल करा के आया तां इह कहिंदा मैं पापा स्कूल नहीं जाणा, मैं इहनूं तोड़ के सुट्टिआ स्कूल च, चौकीदार ने बाह फड़ी उधर लै गया। तो मैनूं शुभदीप ने बहुत आवाज़ां मारियां, पापा मेरी गल सुन, पापा बहुत करके आवाज़ां मारियां, मैं इहदी इक ना सुनी, मैं वापसी अपनी बाइक ते आ गया। अज मैं कुछ उस तरह की फीलिंग फिर महसूस करदा हाँ भी शायद मेरा पुत अकाल पुरख के चरणों च जा रहा है। अज मैं आवाज़ां मारदा, अज मेरा पुत मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा। बड़ा भावुक समय, रहिंदी खुंदी कसर
साड़ियां जाबर सरकार ने कढ़ती। पिछले दिनी जदों दी मैं एक पापी की वीडियो देखी जेल दे विचों, सच जाण्यो इस तरह लगा भी जिस तरह पुत मेरा दुबारे चला गया हुंदा। मैं सरकार नूं एक गल पुछनी चाहुंदा, तू किन्नी मस्तैदी वरतदी है? अमृतपाल फड़ना सी तू किसे दिन होर फड़ लैंदी, ये अज ही क्यों? इंटरनेट बंद अज ही क्यों? बसां बंद अज ही क्यों? कि इस तरह आवाजां साडियां दब लेंगी? गुनाह किसे बंदे च भी हो सकता है, पर तू साडी आवाज दबण खातर इस तरह दियां आवाजां ना कर। सानू इन्हें मजबूर ना करके सानू मियां बीबी नू जाके विधानसभा के गेट ते बैठना पवे। साडी मंग की है? असी मंगदे की हाँ? असी केवल यही कहा भाई सानू आ बंदियां ते शक है, इन्हां ते फड़ के परचा दर्ज करो और सख्ती नाल पुछगिछ करो। किन्नी के गैर कानूनी मंग है हथ खड़े करके दसो, गलत गल है? मैं नहीं कहिंदा भी जिहड़ा मैं नाम देता वह बिल्कुल सही है, तुसी इन्वेस्टिगेशन करो, मैनू तुहाडी सिट दे उत्ते 100% भरोसा है। जे तुहानूं कोई बंदा बेदोशा लगता छड़ दिओ, और इस दे लई तुसी 11 महीने टपा दोगे, ये साडा लोकतंत्र है। गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश ने नरोल धार्मिक प्रोग्राम है, साडा इंटरनेट बंद है, वह जालम का जेल दे विच इंटरनेट खुला है। जिम्मेवारी किने लई? गोड़ी नूं गिरफ्तार करनी है, गल्लां करदे है। अगले दिन सीएम साहब जी एक जिम्मेवार स्टेट दे एड्डा वड्डा अहुदा, और दो पैसों का गैंगस्टर मूँह चढ़ाउंदा सरकार का, मैनू कौन गिरफ्तार कर लूँ? मैं गोली मार के मर सकदा, मैनू कोई फड़ नहीं सकता। सरकार साडी कहिंदी है भारत लाएंगे पकड़ के उसको। कल वीडियो आउंदी है, वीडियो दे विच शरेआम एक गुंडा जो अपने आप नूं नैशनलिस्ट दसदा है, जेल दे विच बह के उहदी वीडियो बनाई जांदी है और कहिंदा सिद्धू मारिया, हम ही मारिया और सलमान खान को भी मारेंगे। थोड़ी सरकार ने कोई अजे तक कार्रवाई नहीं की, इंटरव्यू लैण वाले ते कोई कार्रवाई नहीं की, आओ बैठा आराम दे नाल, और सरकार का मूँह चढ़ा रहा है। धन्यवाद। आपां गल्लां काफ़ी करनियां ने, ये रही गुंडे बारे गल, और उन्हें नैशनलिस्ट बनाया जा रहा। इत्थे आके मैनू, मैं बहुता सियाणा नहीं वीरो, एक मैं आम जिमीदार हाँ, पर मैनू समझ आउंदी है इत्थे आके भी मेरे मास्टरमाइंड क्यों नहीं फड़े जा रहे। एक एक 47 6 पिस्टलां, USA दा असला, 33 बंदे इनवॉल्व, और सारे बिना पैसे तो आ गए, सारे ने पैसे की खातर काम किया। 6 बंदे मेरे पुत्र मारन वास्ते आए, उन्हां चो 5 मेरे पुत्र जानते नहीं भी सिद्धू है कौन है, तो फिर वो भेजे कि ने मेरे आ सवाल ने। सारे सरकार को सवालों का जवाब दे दे, कि मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने फाहे ला दो, मैं पता तुसी सज़ा नहीं देनी किसी को, पर मेरी लड़ाई मेरा चला गया, वापस नहीं आना पुत्र। मैं लड़दा जेड़े ये बैठे ने, इन्हां नाल भी इहो जिहियां हरकतां करनगे। जे तुसीं मेरे पुत्र नूं सच्ची संघार लई चाहुंदे हो, सानूं इस गल दे उत्ते ध्यान देना पऊगा। ये सरकारां आ सरकार तां आपां बिल्कुल पंजाब गहिणे करता, दिल्ली कोले तां मेरी गल मन लो, इन्हां कोले किसे मंत्री कोले ना CM कोले इन्नी पावर नहीं भी किसी गल उत्ते खुल के फैसला ले लैण। आ जिहड़ा अज कल दा वर्तारा देखिया भी अमित शाह ने थापड़ा दिता महाराज भी कर ला कुछ नहीं हुंदा, ये भी नहीं होना सी। नहीं पंजाब सरकार, पंजाब सरकार।
मैनू पूरे 11 महीने हो गए। मैं इको हरेक एतवार मैनू आके जवान पुछदे आ, नौजवान बाहरों अंदरों सारे आके स्टैचू नू गलबकड़ी च लै लैके रोंदे आ सारे। मैं जवाब की देवां, ओ वीरो मैं एक साबका फौजी हाँ, मैं अपनी जिंदगी का ज़्यादा हिस्सा चाइना के बॉर्डर से कारगिल तो उत्ते माइनस 30 डिग्री के मैं ड्यूटी की है। मैं अमित शाह को पूछना चाहना, मेरी देशभगती लॉरेंस की देशभगती मेरे हट गल के मैं कंड हो के फौज चुक कर आया, और नैशनलिस्ट लॉरेंस कहता मैं गऊशाला खोलूंगा। वह गऊशाला ना खोलो, एक योजी शाला खोलो जिथे इंसान सुख का सह ले लैन, बिना खौफ तो जिंदगी ज्यों लैन, यह जहाँ प्रबंध कर लो कोई ना कोई। कल मैं किधर MLA वेख्या सड़क तो रोड़े पासे करी जाता है, नाल वीडियो बनाई जाता है, मैं वेखण बड़ा लगे। मैं क्या हूँ यह भी कहूँगा देशभगती वाला टैग दो मैनू, रोड़े बहुत ने जिंदगी दे राह जिउण लई रोड़े ने, 150-200 रोड़ा जिहड़ा जिहना च बैठा है की हिम्मत करो साहब। कद तक असी डर डर के टाइम टपावे? आ वीरो मेरा गुआढ़ी पिंड है, 6 साल का मासूम बेरहमी के नाल सिर च गोली मार के मारता। मैं घरे जाके आया वीरो, सारा वेड़ा खून ना भरया पिया, पाला चढ़ जाता वेख के कि यहो जे गुनाहगार गिरफ्तार करने चाहिए, हाथ खड़े करके दस्यो एहो जे गुनाहगार गिरफ्तार करके की करोगे? 302 का परचा दे दोगे? लॉरेंस दीयां ब्रांचां जेलां दे विच बैठियां, इंटरनेट की सहूलत मिलेगी, वो 14-15 बंदियां दा मड्यूल रख लेंगे, उन्हें मुड़ के मात्र धमात्र जिहड़ा पता है जिहदी चंगी दुकान चलती है जिहदी चंगी फैक्टरी चलती है, फिर उन्हां दे खिलाफ और फरौतियां मंगण लग जाएंगे या किसी नूं मार देंगे जिहड़ा बंदा नहीं मनूगा। साडा की रौला सी? वाले पुछदे आ असीं चाहुंदे की आ, साडी समस्या की है? वीरो मैं 5-7 किल्लियां दा जिमीदार सी, मेरा जवाक पढ़ गया, कनेडा चला गया, उहदे कोले कुदरत दा आर्ट सी, मालक ने उन्हें सिर ते हाथ रखिया, वह कामयाब हो गया। परंतु ये दरिंदे जिहड़े दो शुरू दे विच साडे नाल कंवर ते ज्योति लगे हुए सी, उन्हां तों असीं खेड़ा छड़ाउण लग गए जदों साडे पल्ले कुछ ना पाया उन्हां, करोड़ रुपया साडा ज्योति खा गया इत्थों, विदेशां ने टूर साडे कंवर खा गया सारे। तां मेरे पुत ने जदों पल्ला पंजबी ना पई उन्हें की किया, वो कहना डैडी इन्हों तो खेड़ा छड़ा पेगा, आपका चैनल बना लिया, आपे लिखन लग गया, आपे गाने लग गया, अपने चैनल पर पाने लग गया, असी कामयाब होए, सानू 4 पैसे की आमदन आने लग गई। फिर कहते शो ला के दिखाओ, कनेडा भर के दिखाओ, असी वो भी लड़े। मैं मेरे पुत नाल गनमैन बन के विचरिया 5 साल, असी कनेडा च भी शो लाए, दिल्ली च भी लाए, सानू बड़े माड़े बंदे साडे विच रहे जिहड़े आप ही फोन करवाउंदे हुंदे सी, आप ही साडियां लड़ाइयां, पर असी उस बड़ा थोड़ा मैं टाइम नहीं लैंदा, असी उस चीज़ चो निकल गए। मेरा पुत सुपरस्टार बनिया, दुनिया की चोटी की सैलीब्रिटी बनिया, शायद वह कितें ना कितें अपने आप नूं कमजोर मानता सी भी ये जिहड़े गुंडे ने इन्हां दीआं फौजां वड्डियां ने, मैनू शायद पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, मैनू शायद इधरों कुछ ना कुछ पावर मिल जूगी। उन्हें पैसा उन्हें बहुत कमा लिया सी, ना उहदी अगे बहुती पैसा कमाउण दी इच्छा सी। नंबर 2 ते मानसा जिले चों जदों उहदी एडमिशन होई, रिजर्वेशन दे कोटे दे तहत होई, उहदे मन दे विच इक इह सी भी थोड़ा जिहा मैं 4 पैसे भी कमाउणा, और जे मैं पॉलिटिक्स नूं अपनावां इस फील्ड च आ के मैं इत्थों दी चंगी सेवा कर सकदा, मैं चंगे कॉलेज चंगे हॉस्पिटल इत्थे मैं लिया सकदा, इह सुपना सी मेरे बेटे दा। उह इस रस्ते ते आया, पर इलैक्शन तो बाद थोड़े जे असी भी रिलैक्स हो गए, सानू मैनू भी यह गल लगी भी जदों इलैक्शन दे विच इन्ने झमेले च नहीं इहनू मारिया किसी ने, पर हुण खैर सुख रह जाऊगी। रहिंदी खुंदी कसर सरकार ने कढ़ती, बलतेज पन्नू इहदा पता नहीं मैं की करजा देना सी, इहने उहदे जिउंदे दे खिलाफ भी पोस्टां पाईआं, इह 28 तरीक नूं सिक्योरिटी हटा लैण दी गल भी करदा, और जदों मेरा पुत नूं 5 बजे जवार के मार दिता जाता, फिर वह मूसे वाले विवादित गायक के गोलियां लगियां, मतलब हर एक चीज़ के नाल इन्हें विवादित गायक लिखने लग गए
किन्ना के विवाद गायक सी मेरा पुत्र यार, उन्हें कदे एक गलत गाना नहीं गाया, उन्हें पग की गल की है, उन्हें धी भैन की गल की है, कदे कोई मैनू साढ़ा 150-200 गाना इंटरनेट पर चल रहा है, कोई एक गाना कढ़ के दिखा दो जिदे किसी बच्ची के खिलाफ किसी धी भैन के खिलाफ एक शब्द भी बोलिया हो कभी, फिर वो भी विवादित गायब। मेरे पुत को 147 कितों आ गई, सारे परचे झूठे। फिर कलाकार कहते भी साडा नाम तुम कह तो लेने, निर्भय तो रिप्लेस करने वास्ते साढ़े ते मानसा परचा दिता जाता है। ना मेरे पुत ने गाना लिखिया, ना उन्हें गाना गाया, ना उन्हें रिलीज़ किया, ना असं कमाई खाधी, परचा मेरे पुत ने देता। और मैं कांग्रेस का सरपंच, कांग्रेस की सरकार, मैं थाने के 10 दिन और लेलड़ियाँ क्ढ़िया, उदों तक मिन्नत करता रहा जब तक मैं बेहोश होकर डिग के हस्पताल नहीं गया। की करिए दसो, मन दुखी हो जाता, कदे ना कदे बोलना पैंदा। पंज उपरों थली जो मेरे पुत्र की मौत होंदी है, 6 परचे नाल लेके जाता है, किसी एक परचे के बिच भी उहदा इन्ना गुनाह नहीं सी। आर्म्स एक्ट उहदे उत्ते ला दी जाती है, 2-3 पत्रकार ने, 2-3 वकील ने, जिन्होंने सहु खा ली भी सिद्धू नूं बोलन नहीं देना, सिद्धू दा तां तवा लाउणा ही लाउणा। लै वीरो हुण तां शांत हो, हुण मेरा पुत चला गया, हुण तां कोई वैपन वाला गाना नहीं गाऊगा, हुण तां किते रेप नहीं होगा। आ जिहड़ा सिर ते वो प्रोफेसर बोर्ड चक्की फिरदा सी, उह हुण कित्थे तेरा बोर्ड आ, आ मेरे गुआंढ दे विच मासूम दा सिर पारता मार के फैर, बसदा रसदा घर पकता, कित्थे तेरा बोर्ड, हुण तूं पंजाब दी यात्रा क्यों नहीं करता। मानसा जिला हॉटलाइन है इस टाइम उत्ते गैंगस्टरां दी, उब्बा पिंडां नाल गल झूठी होवे मैनूं कह दो कोई बंदा सरपंच खड़ा होकर दिखावे उस पिंड दा। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਾਉਣਗੇ, MLA ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮਾਤੜ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਟਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ ਗੋਲੀ ਪੁਰਪੜੀ 'ਚ ਮਾਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਂਭ ਲਓ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਈਲੈਟਸ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਇਕੱਲੀ, UPSC ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, 12,500 ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਵਾਨੋ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 5,000 ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਲੇਬਰ ਬਣਨਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਇਕੱਲਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਮਲੈਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀਰਾ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, 11 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਬੜਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਦਬਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਦਾ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਮਝਾ ਲਾ ਸਲਾਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੱਸੋ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਕੇਵਲ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੁਨਾਹ ਆਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਫੌਜੀ ਸੀ ਕੰਡਮ, ਮੈਂ ਬੇੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਾਸ਼ ਉਹ ਕਿਸੇ MLA ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੜ ਗਏ ਇਹ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ,
मैं गरंटी करदा लोग सभा के इलैक्शन आउणगे तुसी योग जी नाते वोटा पाउण लई मजबूर हो जाओगे। तुसी कहोगे यूपी साफ है, वो सानू की हो गया, असी किहड़े रस्ते ते पै गए। फिर कहोगे मुकाबले होंदे आ, आ हो गया आ हो गया, मगरों गल्लां करन वालियां रह जांदियां ने। हुण दसो जिहड़ियां आ मौतां होईआं इहनां दा की हल है? कल्ला 302 दा परचा गिरफ्तार कर लो, जेल भेजता, जस्टिस हो गया? उत्थे जाके इंटरनेट मिलता है, लॉरेंस मिल जू, जग्गू मिल जू, जां कोई होर मिल जू, इहनां दा कहड़ा इक ग्रुप है? सो भावुक हो जाना कई वारी, मैं वध घट बोल जाना। सारे जिन्ने तुसी दूरों नेड़ों पहुँचे हो, खास करके मैं SGPC दे प्रधान साहब, धामी साहब, मैनेजर साहब दमदमा साहब तलवंडी साहबों तो, शायद रणवीर सिंह ने मैनेजर साहब, सारे का धन्यवाद करता जिन्होंने सानू लंगर दियाँ और प्रबंध दियाँ सेवाओं के अपना भरमा साथ दिता है। सारे आगू साहबान वक् वक् पार्टियों तो, वक् वक् यूनियन तो, वक् वक् जथेबंदियों तो सारे तुसी आए हो, मेरे नाल हमदर्दी जताई है, तुहाडा सारे का तहे दिलों धन्यवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।